तो अगर आपको ट्रिक्स वियर्ड लगे तो आप डेफिनेटली हंस सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रिक्स के थ्रू ना मैंने इनको बहुत ईजिली याद कर लिया है, और अब चाहो तो आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते आपने अगर इस तरीके से याद कर लिया तो। इसलिए मुझे लगा कि मैं नोट्स बना के आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आपको ये इंग्लिश में चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे एक बार वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैंने हिंदी में याद किया क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम चीज़ों को मदर टंग में याद करते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा ड्यूरेबल रहती हैं याद करने में। नाउ इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। ओके सो हेलो, हाउ आर यू? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? हाउ इज द जोश? सब कुछ सही चल रहा है? पढ़ाई कैसे चल रही है? अभी अगस्त आ गया यार, तो अभी चलो बिना देर किए पहले इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नाउ हम सब लोगों को पता है कि टोटल जो हमारी बहुत संगीतियाँ हैं अब तक ऑब्वियसली चार हैं। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ओके हमारी प्रथम बौद्ध संगीति, इसकी डेट है 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति मीन्स फर्स्ट। अब एक बात बताओ, आप कितने भी शरीफ इंसान क्यों ना हो, आपका एक शत्रु तो होता ही होता है। एटलीस्ट एक शत्रु होता है, अजात शत्रु, प्रथम बौद्ध संगीति। अब जो महान इंसान होता है ना वो हमेशा पहले नंबर पर आता है ना? महान इंसान पहले नंबर पर, महान इंसान महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगीति। स्थान है राजगृह, राजगृह मीन्स राज से राजा, राजा अगैन फर्स्ट पर्सन जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। तो हमारा स्थान हो गया राजगृह, राजा प्रथम पर्सन। शासनकाल अजात शत्रु, कितने भी शरीफ हो एटलीस्ट एक शत्रु हमारा होता है। अध्यक्ष महाकश्यप, महान आदमी हमेशा पहले नंबर पे आता है। इससे याद हो गई हमको प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द द्वितीय बौद्ध संगीति। सो द्वितीय बौद्ध संगीति ठीक उसके 100 साल के टाइम के डिफरेंस पे 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अब कैसे याद रखेंगे हम इसको, देखो आप सबसे पहले चलते हैं ना शासनकाल किसका था, काला अशोक, काला। अब बात बताओ आप, आपने बहुत जनरली सुनी होगी ये बात कि अगर ना इंसान के कपड़े गंदे हो जाएं तो वो धुले जा सकते हैं, लाइक व्हाट वी से दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सेल का ऐड, राइट? लेकिन अगर कैरेक्टर काला हो जाए ना तो उसे दो बार धुलने पर भी साफ़ नहीं होता। काला हो जाए अगर कैरेक्टर तो दो बार धुलने पर भी साफ़ नहीं होता। नाउ दिस वन इज़ अ फनी वन एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। वैशाली, ठीक है, वैशाली में क्या है, शाली। तो एक कहावत है, साली हो तो दो हो वरना ना हो, साली हो तो दो हो वरना ना हो। तो इस तरीके से हमें याद जाएगा कि वैशाली स्थान है, दो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। काली कैरेक्टर अगर हो जाए दो बार भी साफ नहीं होता। सब काम ना मैं 2 मिनट में कर देता हूँ, पता है, बस मुझे 2 मिनट दे दो। सब काम, कहीं कहीं पर सर्व काम ही लिखा होता है, कहीं पर सबक में ही लिखा होता है, बट बेसिकली मोटो है सब काम 2 मिनट में। साली हो तो दो, काला कैरेक्टर हो जाए तो दो बार धुलके भी साफ नहीं हो सकता। दैट इज़ हमारी द्वितीय बौद्ध संगीति जो 383 BC में हुई थी। क्लियर है? नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन, ठीक है, हमारी तृतीय बौद्ध संगीति। अब तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में, ट्रिक के बारे में बात करें, उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, कहीं कहीं पे ये डेट ना 251 की जगह 249 दी होती है, कहीं पे ये 255 दी होती है। तो अच्छी बात ये है ना कि जब भी डेट को लेकर इतना कन्फ्यूजन होता है तो जनरली यूपीएससी तो ऑब्वियसली स्टेट पीसीएस जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है किसी भी विवाद से बचने के लिए। तो इसलिए हमें डेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे हमें इसका ट्रिक याद रखना है, स्थान शासनकाल और अध्यक्ष का। अब है तृतीय, क्या हुआ ना, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में क्या है, पुत्र, पुत्र की ना थर्ड पोजीशन आ गई, पुत्र की थर्ड पोजीशन आ गई, जिसकी वजह से ना वो दुखी है, शोक मना रहा है। पुत्र की थर्ड पोजीशन आ गई, वो शोक मना रहा है। तो उसकी मम्मा को ना क्या होता है कि वो बेटे को अपने दुखी देख नहीं पाती है। मम्मा ने कहा कि बेटे तुम मूंगफली खा लो, मूंगफली दिया ताकि वो शोक ना मनाए, क्योंकि उसकी थर्ड पोजीशन आई है किसकी, पुत्र की। पाटलिपुत्र तृतीय स्थान आने की वजह से शोक मना रहे अशोक शासनकाल में। माँ ने मूंगफली दिया, मोंगली पुत्र, मूंगफली से मोंगली पुत्र। अब यहाँ भी ये भी देख सकते हो आपकी पाटलिपुत्र मोंगली पुत्र, इससे भी आपको याद हो जाएगा पुत्र पुत्र। तीस से मतलब होता है तीस, तीस से अगैन तीन से हमारा मतलब है थर्ड, तृतीय बौद्ध संगीति। पाटलिपुत्र पुत्र शोक बना रहा है अशोक शासनकाल, मूंगफली मोंगली पुत्र, तीस। क्लियर है? अब चलते हैं हम चतुर्थ बौद्ध संगीति की ओर। अब अगर आपको कहीं पे कुछ वियर्ड लग रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मुझे यही तरीका समझ में आया और सच में बता रही हूँ मैं। आप जब क्वेश्चन करोगे ना फिर आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक्स कितनी इफेक्टिव है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ का मतलब होता है चार। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ना स्थान की, प्लेस की। आपको पता है कि हमारा भारत कितना सुंदर है, बहुत सारी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर प्लेसेस हैं, नेचुरल मैन मेड। लेकिन चारों कोनों को भी देख लो तो स्वर्ग तो हमारा कश्मीर ही है ना, कश्मीर हमारा स्वर्ग है। चारों कोनों को भी देख लो भारत के, तब भी स्थान हो गया कश्मीर। इसे भी देख लेते हैं कुंडलवन। कुंडलवन में क्या है, वन, वन मीन्स हवन, ठीक है, हवन और कुंड, हवन कुंड, हवन कुंड, कुंड कुंडलवन, वन हवन। हवन कुंड जब हम करवाते हैं घर में, क्यों करवाते हैं, ताकि घर में ना हमारे चारों ओर शुद्धि हो जाए, चारों कोने शुद्ध हो जाए। अगैन चार, कुंडल वन चार, क्योंकि हवन कुंड कश्मीर चारों कोनों से सुंदर। अब मान लो, याद है आपको वहाँ पे पुत्र जो है थर्ड पोजिशन आई थी, शोकना था, माने मूंगफली दे दी है, वो चिल कर गया। उसके बाद ना एक टाइम वो फेल हो गया, मान लो, तो पापा क्या करेंगे, फिर घर से निकाल देंगे। मीन्स निकाला मीन्स निष्कासित कर देंगे। निष्कासित से बनेगा हमारा कनिष्क। शासनकाल किसका हो गया, कनिष्क का। अब कैसे याद रखेंगे कनिष्क को चतुर्थ से, देखो अगर घर से पुत्र को निष्कासित किया तो वो अगैन भारत के चारों कोनों में कहीं भी जा सकता है, अगैन चार। अब अध्यक्षता की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें हमारे एक अध्यक्ष हैं और एक उपाध्यक्ष हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखो आप कैसे याद रखोगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। तो जो अध्यक्ष में देखो मसुमित्र में मित्र है ना, अब तक आपने देखा कि तीन बोध संगीतियों में अकेले अकेले अध्यक्षता चल रही थी। यहाँ पे अगर हम मित्रता नहीं रखेंगे, मैत्री नहीं रखेंगे, तो कैसे हमारा कंडक्ट होगा अगर दो पर्सन का ओपिनियन लेना है हमें किसी प्रोग्राम को कंडक्ट करने में। तो मित्रता जो लोग रखते हैं, मैत्री जो लोग रखते हैं, उनकी जो प्रसिद्धि है या जो उनकी ख्याति है ना, वो अगेन चारों कुंड में होती है। इससे आपको याद हो गया कुंडल वन वन हवन कुंड, हवन कुंड की हवा, हवन कुंड से हवा हमारी चारों कोनों की शुद्ध हो जाती है। चार कश्मीर स्वर्ग है चारों कोनों को देख लो, फिर भी चार कनिष्क ने शासित कर दिया पुत्र को, अगर घसे तो चारों कोनों में से कहीं भी जा सकता है भारत में। चार अश्वघोष वसुमित्र। अब मित्रता जो है हमें अगर रखेंगे तो हमारी चारों कोनों में प्रसिद्धि होगी। याद हो गया आपको? चलो आप चेक कर लेते हैं कि आपको लगेगा कि देखो कितना इफेक्टिव है भी या नहीं है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन का स्थान क्या है। प्रथम याद है राज, राजा हमारी ये हो जाएगी राजगिरी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति हमारी कब हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपको याद होगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति में हमने बात की थी किसकी, साली हो तो दो हो वरना ना हो। नाउ नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थान क्या था? तृतीय याद है आपको, पाटलिपुत्र शोक मना रहा था पुत्र अशोक, क्यों? तुम्हारे मूंगफली दिए थे मोगली पुत्र अध्यक्ष। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति हमारी कब हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति चार से हमने क्या याद किया था? चार से हमने याद किया था कि चारों कोनों को भी अगर देख लो आप तो कश्मीर हमारा सबसे सुंदर है। अब कश्मीर तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पे। तो ऑप्शन में क्या है? कुंडल वन हवन कुंड से चारों कोने शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही आप देखोगे अगर आप शासनकाल को, चाहे किसका शासन था उसमें, चाहे आप स्थान देखो, स्थान तो मैं देख लिया सॉरी, और चाहे तो आप देखो अध्यक्षता, आप देखोगे कि आपके सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं इंट्रिक्स के थ्रू, और आप कभी नहीं भूलोगे अगर आपने इसको वीडियो को एक या दो बार देख लिया तो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी हार्ड, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।